नागरिक बंधु, हम आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई दीनानाथ को वोट एवं सपोर्ट करने के लिए, आपसे अनुरोध करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। भाई दीनानाथ को वोट एंड सपोर्ट करके भिलाई के खुशहाली के लिए, भिलाई नगरी के विकास के लिए उनको विधानसभा में पहुंचाइए, ये हमारा आप लोगों से अपील है। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, लंबे अरसे से आप लोग बीजेपी कांग्रेस को सत्ता सौंप रहे रहे हैं और इस लंबे अरसे में इनका घोटाले के बारे में आप लोगों ने व्हाट्सएप में पढ़ा होगा, फेसबुक में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, पेपर पत्रिका में देखा होगा। ये तमाम घोटालेबाजों का ये सरकार है। कांग्रेस घोटाला बनाने के लिए योजना बनाता है तो बीजेपी उसको इम्प्लीमेंट करता है। जब बीजेपी उसको योजना बनाता है तो कांग्रेस जो है घोटाला का इम्प्लीमेंट करता है। अरे लोग घोटाला करके धन्ना सेठ बनते जा रहे हैं, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। वो रखे हैं, वो है वो अंदर गाड़ी में है ना, देखो जो गाड़ी में निकालो वहाँ से। आप लोग जानते हैं कि नीरव मोदी, रफेल घोटाला, विजय माल्या, मेहुल चौक से ललित मोदी, नान घोटाला, पनामा पेपर से घोटाला, व्यापम घोटाला, धान घोटाला, पीआरडब्ल्यू कर्मचारियों का सही सैलरी नहीं मिलना, अति उत्पादन के चक्कर में हमारे 14 श्रमिक भाइयों का मौत हो जाना, ये तमाम इनकी नाकामियां है। ये घोषणा पत्र बनाते हैं, ये नकली घोषणा पत्र बनाने वाले लोग हैं। घोषणा पत्र कोई घोषणा पत्र नहीं होता है। हमारा घोषणा पत्र जब भारत का संविधान लागू हुआ था उसी दिन घोषणा पत्र लागू हो गया था। भारत के संविधान से बड़ा घोषणा पत्र और कुछ नहीं हो सकता है। भारत के संविधान में वो तमाम घोषणाएं हैं, वो तमाम विकास की बातें हैं। हर व्यक्ति को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और सम्मान देने की उसमें व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद भी ये लोग घोषणा पत्र बनाते हैं। इसका मतलब आप साफ समझ सकते हैं, आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, आप साफ समझ सकते हैं कि ये घोषणा पत्र क्यों बनाते हैं। अगर इनके नियत साफ होती तो इनको घोषणा पत्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ता। ये भारत के संविधान को ही अपना घोषणा पत्र मान करके भारत के संविधान को अक्षरशः ये लागू करते। ये भारत के संविधान को मानते नहीं है, लंबे अरसे से मानते नहीं है। 1950 से लागू हुआ है तब से लेकर के भारत के संविधान को दीमक की तरह लोग चाट रहे हैं। भारत के संविधान को ये लोग खत्म करने का प्लानिंग कर रहे हैं। पहले कांग्रेस ने प्लानिंग किया, अब बीजेपी प्लानिंग कर रहा है। आपके सारे मौलिक अधिकार जो भारत के संविधान में लिखा है वो धीरे धीरे करके समाप्त होते जा रहे हैं। अभी आप तो सुनते होंगे, आपका जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार है, विचार और अभिव्यक्ति की आजादी है, आज वो भी आपके पास में नहीं रहा है। आप अपने मन से किसी बात को बोल नहीं सकते हैं, आप अपने पसंद का खाना नहीं खा सकते हैं, आप अपने पसंद का कपड़ा नहीं पहन सकते हैं। ऐसे दुर्व्यवस्था, ऐसे दुर्गुण कर दिया है, ऐसे अपमानित कर दिया है यहाँ के लोगों को कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। इस बात को आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आजकल ऐसा भी एक बात सुनाई देता है, प्रदेशों के नाम से झगड़ा करा रहे हैं, प्रदेशों के नाम से झगड़ा करा रहे हैं। कहीं गुजरात के नाम से झगड़ा होता है, कहीं बिहारियों को लड़ाते हैं, कहीं पर और किसी को लड़ाते हैं। जातिवाद के नाम पर झगड़ा हो रहा है, संप्रदायवाद के नाम से झगड़ा हो रहा है। लोकतंत्र नहीं रह गया इस देश के अंदर में, अब ये भीड़ तंत्र बन करके रह गया है। मित्रों, इस बात को आप लोगों को समझना होगा, ये लोकतंत्र नहीं रहा, भीड़ तंत्र बन करके रह गया है। ये भीड़ तंत्र बनाना चाहते हैं, इस देश को संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, इस देश की अमन चैन को समाप्त करना चाहते हैं। ऐसे सरकार को हमें सत्ता से बाहर करना होगा, ऐसे सरकार को हमें नीचे उतारना होगा। मित्रों, ये लोग संप्रदाय के नाम से झगड़ा करा करके देश के अंदर में, जाति के नाम पे झगड़ा करा करके देश के अंदर में सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उन्माद का मतलब होता है पागलपन। ये सोचते होंगे कि पागलपन जो है ये बीमारी, ये सामान्य बात होगी। पागलपन एक भयंकर बीमारी है।
पागलपन एक भयंकर बीमारी है मित्रों। अगर ऐसा ही रहा, बीजेपी कांग्रेस को आप लोग सपोर्ट करते रहे, बीजेपी कांग्रेस को सत्ता में बैठाते रहे, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ बुखार का डॉक्टर कम हो जाएगा इस देश के अंदर में, टीबी का डॉक्टर कम हो जाएगा, हार्ट पेशेंट का डॉक्टर कम हो जाएगा, पागलों के डॉक्टर गली गली में लग जाएगा। अगर आपने नहीं समझा, अभी आपने अपने आप को नहीं सुधारा, अगर आपने अपने आप को जो है नहीं बदल परिवर्तन किया, अपने माइंड सेट जो हुई है उसको नहीं बदला, बीजेपी कांग्रेस को आपने नहीं गिराया, तो आने वाले समय में गली गली में पागलों की डॉक्टर होगी। जब लोग पागल हो जाएंगे, जब लोग जो है साइकेट्रिक हो जाएंगे, जब लोग उन्माद में फैल जाएंगे, तो आप ये मत समझना कि उसका दुष्परिणाम किसी विशेष वर्ग को होगा। पागल किसी को पहचानता नहीं है, पागल किसी को अपना नहीं समझता है, वो आपके साथ भी अन्याय अत्याचार करेगा, वो आपके साथ भी आपके घर के आपके परिवार के आदमी को काटेगा, ऐसे दुर्व्यवस्था फैलेगी मित्रों। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, अभी मौका है आपके पास में, बढ़िया मौका आया है। 20 तारीख को आपको वोटिंग करना है, 20 तारीख को चुनाव होना है, और 20 तारीख को चुनाव होगा उसमें आप जो है कांग्रेस पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को हराइए, और उसको हरा करके बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए, और जिता करके उसको विधानसभा में भेजिए, और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी को बनाइए। मेरे साथियों, मुझे खबर मिली है, मैं भी टीवी देखता हूँ, मीडिया देखता हूँ, पेपर पत्रिका पढ़ रहा हूँ, आज चारों तरफ लहर दिखाई दे रही है, आज चारों तरफ लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाला कहता है, कांग्रेस वाला कहता है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रचार जोरों पर है, बहुजन समाज पार्टी का सरकार बनने वाला है, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ सरकार ही नहीं बन रहा है, हम लोग भारी मतों से जीत रहे हैं, और हमारा सरकार जो है 50 से ऊपर की संख्या में जाएगा, 50 से ऊपर की हमारा विधायक बनेगा। जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, जिस हिसाब से लहर बन रहा है इस देश के अंदर में, इस प्रदेश के अंदर में, हमारा विधायक जो है किसी से कम नहीं होगा, किसी से समर्थन लेने की हमें जरूरत नहीं होगी। मेरे मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग जो है इनके बहकावे में ना आए, इनके बीजेपी कांग्रेस के धोखे में ना आए, इसको ठीक तरीके से सोचे समझे और बुझे। आपको वोट का अधिकार मिला है, बड़ा मुश्किल से बड़ी मेहनत बड़ी मुशक्कत के साथ हमारे बुजुर्गों ने आपको वोट को अधिकार दिया है, बड़ा मुश्किल से मिला है मित्रों। वोट का अधिकार जो आपको मिला है वो आपको प्रजा बनने के लिए नहीं मिला है, आपको वोटर बनने के लिए नहीं दिलाया गया है, आपको राजा बनने के लिए वोट का अधिकार दिलवाया बाबा साहब अम्बेडकर ने। भारत के संविधान में जो आर्टिकल 325 और 326 में जो आपको अधिकार मिला है वो आपको राजा बनाने के लिए अधिकार मिला है, लेकिन 70 सालों में आप लोगों ने वोट का अधिकार को समझा नहीं है, और आज भी आप प्रजा बन करके उनके गुलाम बन करके जी रहे हैं, आपके बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, शासकीय कॉलेजों को प्राइवेट बनाया जा रहा है, और जितने भी कल कारखाना जो सार्वजनिक संस्था था उसको जो है निजीकरण में बदल करके आपके बच्चों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। अगर इनकी नीयत सही होती, ये संविधान के अनुरूप चलाना चाहते देश को, तो इस देश के सार्वजनिक संस्था को नहीं बंद करते, निजी कॉलेज को नहीं खोलते, बल्कि शासकीय कॉलेजों में निजी कॉलेज से भी बढ़िया ये लोग व्यवस्था करा देते, लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं होने की वजह से ये शासकीय कॉलेजों को निजी बिल्कुल जो है जैसे डोर कॉलेज होता है वो डोर कॉलेज बना करके ये रख दिए हैं, और निजी कॉलेज को प्राथमिकता दे रहे हैं, जहां आम जनता जो गरीब सर्वहारा मजदूर हैं, जो SC ST के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो अपने बच्चों को महंगी फीस में नहीं पढ़ा सकते हैं, ऐसी दुर्व्यवस्था ये लोग जो है शिक्षा का कर दिया है, और शिक्षा तो दे रहे हैं, ये ढिंढोरा पीटते हैं कहते हैं कि हम जो है स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं। मेरे मित्रों, स्कूल कॉलेज खोलने का मतलब होता है रोजगार देना, रोजगार के लिए इन्होंने कितना कल कारखाना खोला है वो बताएं, पहले देश की जनता को बताएं कितना इन्होंने रोजगार के लिए जो है उद्योग क्षेत्र लगाए हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में कितने ये लोग जो है फैक्ट्री लगाए हैं, कल कारखाना लगाए हैं, ये बता नहीं सकते हैं, ये झूठ बोलते हैं। लेकिन हम आपको आशा और विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है, अजीत जोगी हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, और जिस दिन छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के अंदर हमारा मुख्यमंत्री होगा। हम आपको बिताना चाहते हैं, सीधा ठोक के बताना चाहते हैं, हम छुपा कर नहीं, हम उछाल कर बताना चाहते हैं। जिस दिन मुख्यमंत्री बना अजीत जोगी, उसी दिन से हम लोग इस प्रदेश के बच्चों के लिए, रोजगार के लिए तत्काल प्लानिंग बनाएंगे और बच्चों को रोजगार देंगे। इस प्रदेश की जितनी भी जो प्राइवेट कॉलेज हैं, ये उनको जो है धीरे धीरे हम लोग जो है डायल्यूट करेंगे और शासकीय कॉलेज को हम लोग प्राथमिकता देंगे, जो संवैधानिक हमारा अधिकार है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ मित्रों, आप लोग जो है, इस बढ़िया मौका है आपके लिए, सुनहरा अवसर है। आप लोग जो है भारतीय जनता पार्टी, झूठे लोगों की पार्टी, बेईमान लोगों की पार्टी, भ्रष्ट लोगों की पार्टी और तरह तरह के अन्याय अत्याचारियों की पार्टी, लुटेरे लोगों की पार्टी, इन पार्टियों के हाथ से आप लोग नीचे निकले, इनके पीछे आए। ये कोई बड़ी पार्टी नहीं है मेरे मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। SC ST OBC धार्मिक अल्पसंख्यक के लोगों को बताना चाहता हूँ, BJP कोई बड़ा पार्टी नहीं है, कांग्रेस कोई बड़ा पार्टी नहीं है, ये हवा बना के रखे हैं। जिस दिन आप उनके पीछे से हट जाओगे, जिस दिन आप उनके पीछे से अपने आप को खींच लोगे, वो अपने आप जमीन में नीचे धड़ाम से गिर जाएगा, मिट्टी से फलित हो जाएगा। वो तो आप लोगों ने उनको बड़ा पार्टी बना दिया है, वो तो आप लोगों ने उनको वोट दे करके सत्ता में बैठाया है। जिस दिन आप लोग जो है उनको सत्ता से उतारेंगे, अपना वोट खींच करके बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे, उनकी शक्ति कमजोर होगी और आपकी शक्ति बढ़ेगी। जब आपकी शक्ति बढ़ेगी तो आप इस देश के हुक्मरान बनेंगे। जब इस देश के आप हुक्मरान बनेंगे तो आप अपने हिसाब से कानून कायदा बना सकते हैं और संविधान को अक्षरशः लागू कर सकते हैं। इसलिए मैं भिलाई के नागरिकों से, भिलाई के मतदाता साथियों से, भिलाई के तमाम भाइयों बहनों से, सम्माननीय बंधुओं से मैं अपील करना चाहता हूँ, ये सुनहरा अवसर को आप खोने ना दें, जाने ना दें। ये अवसर है बहुजन समाज पार्टी को जिताने का, जोगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का। आप जोगी जी को मुख्यमंत्री बना करके अपने भविष्य को सुनिश्चित कीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने बहुजन समाज पार्टी को नहीं जिताया और जोगी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और भविष्य में जब आपका संविधान बदलेगा और जो नुकसान होगा आने वाले पीढ़ी को, नुकसान होगा आपको, जो नुकसान होगा उसका कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं होगा, आप खुद होंगे। इसी बात के साथ में मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। अब हमारे साथी मार्केट में जाकर के प्रचार करेंगे, वोट का अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे भाई दीनानाथ को जिताने के लिए। मैं अपने साथियों से अपील करूंगा कि आप लोग जाएं और मार्केट में सभी साथियों को, जब भी हमारे नागरिक बंधुओं को वोट का अपील करते हुए अपना पर्चा और पाम्पलेट बांटे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा। भिलाई का विधायक कैसा हो, 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 भैया जैसा हो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, अजीत जोगी जैसा हो। प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, अजीत जोगी जैसा हो। प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, अजीत जोगी जैसा हो। भिलाई का विधायक कैसा हो, दीना भैया जैसा हो। भिलाई का विधायक कैसा हो, दीना भैया जैसा हो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाथे छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाथे छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों जय भीम, जय भीम। माइक मुझे दे दो भाई, मैं गाना गाता हूं।
आप गाना गाते रहो, आप लोग जाओ, आप लोग जाओ, आप लोग जाओ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।